Hello students, welcome to SST Civics class chapter 1st, Democracy and Equality. Today we are going to learn about equality and the Constitution of India. It means in our constitution what type of equality we get. First of all, we have to learn something. Article 14 to 18 of the Constitution of India recognize every individual in the country as equal irrespective of religion, race, caste, sex and place of birth. In order to establish equality in the society, it outlined the provision given below. It means beta, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 14 टू 18 के अंदर हमारी इक्वलिटी के बारे में बताया हुआ है कि हमें किस टाइप की इक्वलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें मिलती है. और टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, 448 टोटल आर्टिकल्स हैं और हमारे इक्वलिटी के बारे में 14 टू 18 आर्टिकल्स में मैंशन किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट मीन्स कानून के सामने कैसी इक्वलिटी हमें मिली है. इट मींस दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज़ टू ओबे द सेम लॉ. इट मींस सभी पीपल को, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, सभी को सेम लॉ का फॉलो करना पड़ेगा. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन मीन्स होता है बेटा मना करना और डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव. इट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि किसी भी पीपल से किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स मीन्स मना करना, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव इन ऑल इट्स फॉर्म ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ. इन सभी चीज़ों को लेकर आप किसी भी पर्सन से किसी तरह का आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करते हो तो ये इलीगल माना जाएगा. नेक्स्ट इज इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड फैसिलिटीज. एक्सेस मीन्स होता है पहुँचना, इट मीन्स एवरी पीपल कहीं भी जा सकता है, किसी भी प्लेस, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है और उसको हर तरह की फैसिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है. इट मीन्स दैट एवरीवन इन द कंट्री हैज़ इक्वल एक्सेस, इट मीन्स सभी को सब जगह जाने की फैसिलिटी है, वो कहीं भी जा सकता है और किसी भी पोजीशन पे पहुंच सकता है. टू पब्लिक प्लेसेस सच एज शॉप, सभी पब्लिक प्लेसेस जैसे कि सच एज शॉप्स, मार्केट एंड पार्क एंड पब्लिक फैसिलिटीज सच एज रोड एंड वेल. इट मीन्स किसी भी सड़कों पे वो जा सकता है, किसी भी कुएं से वो पानी ले सकता है, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और कोई भी उसको प्रोहिबिट यानी कि मना नहीं करेगा. नेक्स्ट है अबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी. अबोलिशमेंट मीन्स होता है लॉ के थ्रू किसी चीज़ को मना करना, ख़त्म कर देना, अबोलिशमेंट एंड समथिंग. अनटचेबिलिटी बेटा लिसन, टच मीन्स क्या होता है, छूना, और अनटच मीन्स नहीं छूना, एबिलिटी मीन्स ना छूने की जो पावर है उसको. तो बेटा हमारे समाज में पहले जो हमारा एंशियंट इंडिया था वहाँ पे क्या था कि ये जो अनटचेबिलिटी वाली जो कस्टम था वो बहुत प्रीवेलेंट था. प्रीवेलेंट मीन्स फेमस था, प्रचलित था और लोग एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करते थे, एक दूसरे को छूना भी पाप समझते थे, जो कि लो कास्ट से बिलोंग करते थे, हायर सोसाइटी के पर्सन उनको टच करवाना पाप समझते थे. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को मना किया है, अबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत की जो एक कस्टम थी, बुराई थी, इविल थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबोलिशिश मीन्स ख़त्म करता है अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म. किसी भी रूप में अगर आप किसी से छुआछूत भेदभाव करते हो तो वो सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ख़त्म हो गई है. कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उस चीज़ को हम ख़त्म कर चुके हैं. इन एडिशन टू दीज, और इन सब के साथ, एडिशन मीन्स ये चीज़ जो हमने प्रीवियस डिस्कस की है ये चीज़ तो है, इनके साथ और भी कुछ है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड एनकरेज द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, द शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब्स and differently abled people who are socially and educationally backward in the society. हमारा constitution government को कहता है कि
उन लोगों के लिए स्पेशल एफर्ट्स किए जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्ट मीन्स बचाया जाए, और एनकरेज मीन्स उनको आगे बढ़ाया जाए। किन को आगे बढ़ाना है? वुमेन को आगे बढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, और शेड्यूल कास्ट जो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं और जो कबीले वाले हैं उनको आगे बढ़ाएं, और डिफरेंटली एबल्ड पीपल यानी कि जो पर्सन परफेक्ट नहीं है, इट मीन्स उनको कोई ना कोई कमी है उनके फिज़िकल या मेंटली, उन लोगों को भी आगे बढ़ाए, और जो समाज में और जो एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं उनके लिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को काम करने की एडवाइस देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को कहता है कि ऐसे जो भी लोग हैं जो किसी ना किसी सेक्शन में वीक हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करें। बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिड डे मील स्कीम। इसके बारे में थोड़ा सा हम प्रीवियस में हमने डिस्कस कर चुके थे, नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। द मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च टू एंश्योर एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स जो बेसिक एजुकेशन है वो सभी बच्चों को प्रोवाइड की जा सके, एंड न्यूट्रिशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सोशली disadvantages group of the society. The scheme was first introduced in the state of Tamil Nadu. जो मिड डे मील की स्कीम थी वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई? तमिलनाडु स्टेट के अंदर, उसके बाद अदर स्टेट्स के अंदर गई थी। तो इसके अंदर क्या हुआ, इस स्कीम के अंदर क्या प्रोविज़न है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है सभी बच्चों के लिए जो बेसिक एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना, और बच्चों को न्यूट्रिशन यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, आप जो बच्चे हो वो हमारे देश का भविष्य हैं, तो आपको किसी भी न्यूट्रिशन की कमी ना होना, आपको अच्छा खाना प्रोवाइड करना, और सोशली डिसएडवांटेज यानी कि वो पर्सन जिनको समाज में एडवांटेज नहीं मिला है, जो समाज में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उन लोगों के लिए ये काम करे, उन लोगों के बच्चों के लिए काम करे। तो फर्स्ट सबसे पहले ये तमिलनाडु के अंदर इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू अडॉप्ट द सेम प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और देन आफ्टर तमिलनाडु के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि ये स्कीम आप भी अपने स्टेट में इंट्रोड्यूस करेंगे। अचीवमेंट्स ऑफ द मिड डे मील यानी कि जो मिड डे मील स्टार्ट हुआ था उससे हमें क्या अचीव हुआ, क्या हमें मिला, वट अचीवमेंट्स वी गेट फ्रॉम द मिड डे मील स्कीम। नंबर वन, इट हैज़ इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस रेट ऑफ पुअर चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल। इट मीन्स इस स्कीम के बाद जो गर्ल्स थी वो भी स्कूल के अंदर पढ़ने आने लगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि बॉयज़ को हम एजुकेशन प्रोवाइड करना करते थे, लेकिन जो गर्ल्स थी, पुअर गर्ल्स थी, वो स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन इस मिड डे मील स्कीम के बाद जो गर्ल्स थी वो भी अपनी स्कूल में अटेंडेंस देने लगे। देन नेक्स्ट इज़ इट हैज़ एड्रेस द क्लासरूम हंगर ऑफ पुअर students who earlier came to school but could not concentrate on studies due to their empty stomach. अब देखिए, जो ये मेनली स्कीम थी वो पुअर चिल्ड्रन के लिए थी। अब पुअर चिल्ड्रन जो थे, गरीब बच्चे जो थे, वो भूखे थे और वो स्कूल आते थे तो वो अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका स्टमक कैसा था, भूखा था। लेकिन अब उनको स्कूल के अंदर ही खाना मिलने लगा तो वो पेट भी उनका भरा हुआ है और वो पढ़ाई में भी कंसंट्रेट कर पा रहे थे। It has brought about the freedom to the working mother to continue their jobs without worrying about the lunch of their children. और जो working mother है वो easily अपने काम पर जा सकती थी, उनको पीछे चिंता नहीं थी कि उनके बच्चे भूखे हैं। It has contributed in fostering equality and reducing caste and class barrier by allowing the children of both upper and lower caste eat meals together and by employing people from the disadvantaged group as cooks and assistant. मिड डे मील का क्या contribution हुआ? Fostering means होता लाना, क्या लेके आए वो, equality लेके आए। जो मिड डे मील स्कीम था वो फॉरेस्टिंग ब्रिंग अप, फॉरेस्टिंग मीन्स ब्रिंग अप, क्या लेके आए वो, इक्वलिटी लेके आए, एंड रिड्यूसिंग कास्ट, और जो कास्ट सिस्टम था उसको भी कम किया, एंड क्लास बैरियर, और जो वर्क अमीर गरीब की क्लास को के बैरियर मीन्स जो एक घेरा था उसको भी इस स्कीम ने तोड़ने का काम किया। बाय अलाउइंग द चिल्ड्रन ऑफ बोथ अपर एंड पुअर कास्ट ईट मील टुगेदर, इस स्कीम में क्या हुआ कि पुअर
और पुअर पीपल और रिच पीपल के जो बच्चे थे वो एक साथ खाना खाने लगे, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट एक साथ खाना खाने लगे। इससे क्या हुआ, जो क्लास के जो बैरियर था वो भी टूट गया। एंड बाय एम्प्लॉइंग पीपल फ्रॉम द डिसएडवांटेज ग्रुप एज कुक एंड असिस्टेंट। और डिसएडवांटेज ग्रुप यानी कि वो लोग जिनको कभी भी समाज में अच्छा स्थान नहीं मिला, उनको इस स्कीम के थ्रू काम मिला। क्या काम मिला, कुक खाना बनाने का काम मिला और असिस्टेंट में सहायक का काम मिला। तो इससे इन लोगों को भी रोज़गार मिला। अदर स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल, वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। और सरकार ने कुछ और स्कीम भी चलाई है जिसके थ्रू कुछ पुअर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी रिजर्वेशन मिलती है। बेटा ये तो आपको पता ही है, यू नो वेरी वेल अबाउट 134। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे 134 के अंडर बच्चे पढ़ते हैं, तो वो भी एक गवर्नमेंट के थ्रू एक स्कीम चलाई गई है कि जो पुअर चिल्ड्रन है वो भी अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले सकें और उनको टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप भी मिलती है, कुछ ऐसे प्रोग्राम भी मिलते हैं कि उनको काम भी मिले। However, despite the measures undertaken by the government, there still exist inequality in the Indian society. इतने सारे मेजर्स, इतने सारे स्टेप उठाने के बाद भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं आज भी इनइक्वालिटी मीन्स ये जो असमानता है, ये जो भेदभाव है, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। People are forced into unequal situation, exploited means होता है शोषण करना, किसी के ऊपर अत्याचार करना, and treated unfairly यानी कि उनके साथ जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं किया जाता, on grounds of किस बेस पर, caste, class, religion and gender यानी कि male और female। Thus, unless we change our attitude toward the disadvantage, it is impossible to establish equality in the society in absolute terms। बेटा जब तक हम इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम सोसाइटी के अंदर सही मायने में इक्वलिटी को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो बेटा ये सब हम सब की ड्यूटी है कि हम अपने सराउंडिंग ऐसा कुछ भी ना करें जिससे समाज में ऐसी इनइक्वलिटी की फीलिंग अराइज हो। और इन सब चीज़ों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, बाय एजुकेशन। जैसे जैसे बेटा हम एजुकेटेड होते जाएंगे हमारी सोच अच्छी होती जाएगी और हम ये जो डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग है इसको हम छोड़ते जाएंगे। नाउ व्हाट की टर्म्स कम इन दिस चैप्टर, इक्वालिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। सेकेंडली अनटचेबिलिटी, अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट इन द इंडियन सोसाइटी। बेटा वन चार्ट इज़ हेयर, वी हैव डन ऑल दिस। इक्वलिटी इन इंडिया एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इट मीन्स हम सभी को वोट कास्ट करने का राइट है। इनइक्वलिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड फिजिकल एबिलिटीज़। आज भी जो इनइक्वलिटी है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें पॉलिटिकल इक्वलिटी देता है, नॉट सोशल और इकोनॉमिक। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस वेरियस लॉ एंड स्कीम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिसएडवेंटेज ग्रुप सच एज द मिड डे मील स्कीम। डिसएडवेंटेज ग्रुप मीन्स वो ग्रुप जिनको समाज में अच्छा स्थान नहीं है, जो कि बहुत गरीब है, उस ग्रुप को हम बोलेंगे डिसएडवेंटेज ग्रुप। यस बेटा, दिस इज आवर असाइनमेंट 5। On what grounds are the people discriminated against India? किस बेस पर इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है? अभी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वी हैव डिस्क्रिमिनेट पीपल। वट इज़ अनटचेबिलिटी, अभी हमने डिस्कस किया अनटचेबिलिटी के बारे में, तो यू हैव टू गिव आंसर ऑफ दिस। वट इज़ मिड डे मील स्कीम, वी ऑलरेडी डन about this। What are the achievement of the midday meal? Midday meal ki kya achievements hai, here you have to write 2। In which state firstly introduced the midday meal scheme? You know very well, Tamil Nadu। So you will write answer of all these question। That's for all for today beta, our chapter is completed। In next class we will start our new chapter। Thank you, have a nice day।